व्हाट इज अप गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देखते हैं जेवुल व्लॉग्स। तो आज व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है, आज मैं तुम लोगों को कुछ सिखाने वाला हूँ। मेरे पास ऐसे ही खाली पड़ा रहा था वो वाला टैलेंट, इसलिए हम सोच रहे हैं तुम लोगों को दिखा देते हैं जिन जिन लोगों को नहीं आता है। तो ये रूबिक्स क्यूब है, ओके, ये 4x4 रूबिक्स क्यूब है। बहुत लोगों को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, बहुत लोग देख के सॉल्व करते हैं, और 4x4 वाला बहुत लोगों को नहीं आता है, ओके। तो ये इसलिए मैं सिखाने के लिए आया हूँ। मैं तुम लोगों को सिर्फ ट्रिक सिखा दूंगा सॉल्व, लेकिन तुम लोगों को खुद ही करना है, नहीं तो मज़ा नहीं है ना रूबिक्स क्यूब मतलब ख़रीदने में। और ऊपर से हम जो ये रूबिक्स क्यूब ख़रीदा था ना, ये मतलब हम भी खुद ही सीखा था ये वाला रूबिक्स क्यूब, और थोड़ा मुश्किल हुआ मतलब सीखने में, थोड़ा टाइम लगा, कुछ 3 दिन जैसा लगा मेरे को पूरा फुल्ली जानने में कि कैसे सॉल्व हो जाता है खुल के। और मतलब मज़ा भी आया ऐसा सीखने में, तो 3 दिन तक हम पूरा एकदम खेला, फिर सॉल्व कर पाया हम इसको पूरा। तो इसलिए आप लोगों को मैं सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेप दिखाऊंगा कि कौन सा लेयर सॉल्व करना है, फिर उसके बाद तुम लोग ट्राई करते रहना, तुम लोगों को मिल जाएगा मतलब वो फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो फर्स्ट में तुम लोगों को क्या करना है पता है, तुम लोगों को ये जो 4 वाला बॉक्स है ना, ये मिडल का 4 जो कलर, ये सब साइड में ये मिडल का 4 कलर को मतलब कंप्लीट करना है, मतलब ठीक करना है। चलो मैं दिखाता हूँ कैसा हो, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। ये मिडल का 4 कलर मैच खाना चाहिए, सब साइड का मिडल का 4 कलर मैच खाना चाहिए, ओके। तो ये देखो, ये बीच वाला हो गया है सॉल्व, ये सब साइड का सॉल्व हो गया है, ओके। ये साइड, ये साइड, ये साइड, कौन सा साइड देखना है, सब सॉल्व हो गया है। तो अभी तुम लोगों को नेक्स्ट मूव क्या करना है पता है, ये वाला सॉल्व करना है तुम लोगों को, ये प्लस साइन, मतलब ये देखो, ये कोई भी एक लेयर ले लो ऊपर में, लेयर लेने के बाद इसका प्लस सॉल्व करना है, सिर्फ वो कॉर्नर साइड छोड़ देना है, ये प्लस वाला साइड ऊपर लेयर का प्लस वाला साइड सॉल्व करना है, और उसका साथ ये साइड वाला कलर का साथ भी मैच खाना पड़ेगा, ओके गाइस, साइड वाला कलर का साथ भी, ये सब साइड का साइड वाला कलर का साथ। तो चलो गाइस अभी देख लो, ये ऊपर वाला साइड का लिया हम, वाइट वाला लेयर लिया था, ये देखो वाइट वाला लेयर का प्लस वाला सॉल्व हो गया है ना, और ये देखो साइड वाला का साथ भी मैचिंग सॉल्व हो गया है, देखा ना। अभी तुम लोगों को एक बार फर्स्ट टॉप वाला लेयर एक बार पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो साइड है ना, ये कभी कभी डिफरेंट पोजीशन में होता है, मतलब रॉन्ग पोजीशन में होता है, जैसे कि ये वाला ये साइड में होता है, कभी कभी ये वाला होना चाहिए ये साइड में, लेकिन ये साइड में नहीं है, अभी ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो वो देखने के लिए टॉप वाला एक बार सॉल्व करके देखना पड़ता है, देखने से तुम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा वाला साइड में है। तो वो हिसाब से मतलब तुम लोग साइड चेंज कर दो, ये मतलब ये पूरा फुल फिक्स्ड हो जाने के बाद ये वाला पूरा कम्प्लीटली सेम टू सेम हो जाएगा, ये अगर ये वाला पूरा फुल कलर कर दिया तो, मतलब वाइट कर दिया तो, ये वाला पूरा सेम टू सेम होना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला लाइन साइड वाला भी, ये देखो फुल हो गया है ना, ये देखो ठीक है, ये देखो ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, ये जो डबल साइज है ना, ये डबल साइज जो डबल करके है ना, मतलब ऐसा डबल कोना को छोड़ के, तो ये वाला ऊपर वाला भी कोना को छोड़ के सिर्फ डबल वाला कंप्लीट करना है, ओके। मतलब ये दूसरा कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ कोना का चेंज हो जाने से कोई बात नहीं है, मतलब साइड वाला। तो ये डबल वाला तुम लोगों का मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए, कोई और कलर होने से भी चल जाएगा, लेकिन सेम टू सेम होना चाहिए। और ये ऊपर वाला लेयर, लेकिन मतलब ऊपर वाला वो प्लस ख़राब नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये कोना वाला मतलब अलग कलर होने से कोई बात नहीं है, जैसे कि ये वाला का अलग कलर ही देखा, ये वाला ठीक पोजीशन में नहीं है, फिर भी ठीक है। और ये नीचे वाला भी तुम लोगों का सेम उग करके होना पड़ेगा बिल्कुल इसका जैसा। तो अभी चलो ये कंप्लीट करते हैं ये वाला का। अगर तुम लोग को ऐसा मुश्किल लग रहा है ना, तो बस ये वाला कंप्लीट कर लो, ये मतलब टॉप लेयर साइड वाला लेयर का डबल वाला कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद नीचे वाला लेयर का कंप्लीट करो। अभी देखो तुम लोगों का पूरा मतलब मेरा सॉल्व हो गया है ये वाला पार्ट, ये देखो प्लस वाला ऊपर वाला एकदम सॉल्व है, साइड वाला सॉल्व है, ओके, साइड वाला भी सॉल्व है, ये डबल वाला भी सॉल्व है, मतलब अलग अलग कलर है लेकिन सॉल्व है,
फिर नीचे वाला का भी डबल डबल पार्ट वाला सॉल्व दे। ओके फिर अभी तुम लोगों को क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है गाइस, अभी ऊपर वाला का मतलब एकदम सेम टू सेम कलर कर देना है, वाइट कर देना है पूरा। वाइट करने के बाद तुम लोगों का फिर ये करना है, ये वाला साइड साइड वाला ठीक करना है, मतलब ये कलर सेम पोजीशन होना चाहिए तीन लेयर, मतलब पहले वाइट वाला कंप्लीट करो, फिर ये सेकेंड दो लेयर कंप्लीट करो सब साइड का, फिर उसका बाद आएगा और एक स्टेप। तो ये वाला पार्ट हम बताना भूल गया था कि ये जब तीन लेयर का हो जाता है ना, ये देखो एक दो तीन, ओके ये लेयर का हो जाने से हम फंस जाते हैं, क्योंकि ये लेयर के बाद हमको पता नहीं कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि मुझे नहीं आता ये वाला पार्ट में। तो ये ऐसा तीन लेयर में नहीं फंसना चाहिए, ऐसा फोर लेयर होना चाहिए, या तो ऐसा फोर लेयर होगा या तो वन लेयर होगा सिर्फ मिडल वाला सॉल्व होगा, या तो ऐसा वन साइडेड लेयर होगा ऐसा वाला एक एक लेयर सॉल्व होगा, या तो तुम्हारा ऐसा थ्री लेयर सॉल्व होगा जैसे कि वन लाइन ऐसा लाइन करके सॉल्व होगा एक एक लाइन करके, या तो तुम्हारा प्लस वाला सॉल्व होगा। तो ऐसा करके हुआ तो मुझे नहीं आता है, तो मैं फिर से री करता हूँ और वो वाला लाइन पे लेके आता हूँ। तो ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर हो गया है सब साइड का पूरा, अभी नीचे का वाला लाइन स्ट्रेट लाइन है, ओके स्ट्रेट वाला लाइन से प्लस लाइन करना है, ओके प्लस लाइन, तो चलो प्लस लाइन करते हैं। तो ये देखो प्लस वाला लाइन हो गया है, प्लस वाला लाइन हो गया नीचे का भी, अभी तुम लोगों को ये वाला मैचिंग खिलाना है, ये प्लस वाला लाइन का ये साइड वाला जो ये दो है ना ये मैचिंग खिलाना है। तो ये हो गया मेरा वाला सॉल्व्ड। तो अभी फॉर्मूला तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तो तुम लोग अपना रूबिक्स क्यूब सॉल्व करो, और ये जो 3x3 जानता है उन लोगों के लिए थोड़ा आसान होगा जो हम बताया वैसा सिस्टम से। तो जो नया सीख रहे हैं वो लोग को ऐसे सीखना पड़ेगा, मतलब ऐसे करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये 4x4 का है, तुम लोग 3x3 में ट्राई करो पहले, फिर सीखो, फिर उसके बाद 4x4 ट्राई करो, और जिसके पास 4x4 है वो 4x4 ऐसा ट्राई कर सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।